हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों, यहाँ पर आज का वीडियो है, बड़ी अपडेट है आपके लिए रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन से संबंधित। इंतज़ार ख़त्म हो गया है और दोस्तों खुशखबरी है क्योंकि आपका ज्वाइनिंग लेटर आ गया है दोस्तों, वो भी आपका बाई पोस्ट आया है। बाई पोस्ट आने में काफ़ी दिन लग गए, इसीलिए आपका लेट था। पैनल इसका आ गया था 20 अगस्त को, यहाँ पर इसका चेन्नई जोन का एएलपी का पैनल आ गया था। और मैंने जैसा कि बताया था आपको, 1 महीने के अंदर में लगभग आ जाता है ज्वाइनिंग। तो दोस्तों, आपका मेल ना करके इन्होंने सीधा बाई पोस्ट आपको ज्वाइनिंग भेजा है। और इससे पहले आपको मैंने 2-3 दिन पहले ही आपको एक वीडियो बनवाया था, वीडियो बना के दिया था। आपका 14 अक्टूबर से इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट थी, जो कि यहाँ पर ट्रीची के अंदर थी। ट्रीची के अंदर टोटल 120 कैंडिडेटों का मैंने बताया होगा आपको, डीवी शेड्यूल उनके अंदर आपका ट्रेनिंग शेड्यूल एएलपी का। तो उसके अंदर दोस्तों कौन से डिवीज़न थे वो भी हम बात करेंगे। इसके अंदर सारा आपको प्रूफ के साथ मैं बताऊंगा कि चेन्नई जोन का है वो एएलपी का ज्वाइनिंग है वो आ गया है दोस्तों। अब ये कितनों का आया है और बाकी का कब तक आएगा, इसके बारे में हम देखेंगे। और दोस्तों टेक्नीशियन का पैनल के बारे में क्या कहना है, यहाँ पर आरआरबी से क्या रिप्लाई आ रहा है, वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और ट्रेनिंग कब से है इनकी एएलपी वालों की, जिनका ज्वाइनिंग आया है, इनकी भी बात करेंगे। और जैसा बोला था दोस्तों वही हुआ है, और 10 अक्टूबर को इनको ज्वाइन करना है। तो सारा कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों, आप अगर चैनल के ऊपर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली अपडेट आपसे बिल्कुल मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जैसा आपको मैंने वीडियो बनाया था ट्रेनिंग का, कि 14 अक्टूबर से यहाँ पर एएलपी वालों के 120 कैंडिडेटों की ट्रेनिंग है वो स्टार्ट है। वो डॉक्यूमेंट शायद अभी भी मिल जाएगा आपको, वीडियो मिल जाएगा, मैंने बनाया था, चेन्नई जोन का ही था वो। तो उसके अंदर आपके 3 डिवीज़न थे, 3 डिवीज़न का शेड्यूल था वो, 1 से 30, 30 और 60, टोटल 120 कैंडिडेटों का था। यहाँ पर ट्रीची के अंदर उनका यहाँ पर ट्रेनिंग होगा, तो उसी के रिगार्डिंग ही आपका ये ज्वाइनिंग आया है। 10 तारीख को ज्वाइन करवा के इनको 14 तारीख से ट्रेनिंग के ऊपर भेज दिया जाएगा। अब दोस्तों, सबसे पहले जो आपका टेक्नीशियन वाले वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि टेक्नीशियन के पैनल के बारे में उनका अभी यही रिप्लाई आ रहा है, जब भी कॉल किया था पहले। अभी तो वो कॉल ही अटेंड नहीं कर रहे हैं, पहले जब कॉल किया था तो उन्होंने ये बोला है कि इस मंथ आप वेट करिए, अक्टूबर के 1st वीक में टेक्नीशियन का पैनल आ जाएगा, ये उनका रिप्लाई था दोस्तों। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका अक्टूबर के 1st वीक में ही यहाँ पर चेन्नई के से टेक्नीशियन का पैनल आने की पूरी पूरी चांसेज हैं। अब इनका ट्रेनिंग कब से है दोस्तों, ट्रेनिंग शेड्यूल मैंने आपको बताया था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ इस वीडियो में। और जैसा बोला था वही हुआ, और 10 अक्टूबर का इनका ज्वाइनिंग है। तो हम देख लेते हैं पहले जो ज्वाइनिंग लेटर आया है वो देख लेते हैं, उसके बाद में हम बाकी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये देख सकते हो आप, बाई स्पीड पोस्ट से आता है, दक्षिण रेलवे साउथर्न रेलवे का यहाँ पर ये कोलेटर है। अब आपके कुछ लड़के ऐसे भी होंगे जो यहाँ पर नेगेटिविटी फैलाते हैं, उनका मैं पहले ही जवाब दे देता हूँ कि जो ये बोलने वाले हैं कि ये त्रिवेंद्रपुरम का ज्वाइनिंग है, तो उनसे मेरा ये निवेदन है दोस्तों कि वो अगर या तो बात समझें या फिर नहीं समझें तो वीडियो को स्किप करें और अपना ज्ञान है वो कहीं और बांटें। तो दोस्तों, ये चेन्नई का है, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा दूंगा, ये केरला का लड़का है और यहाँ पर चेन्नई डिवीजन से, चेन्नई जोन से था। इस चेन्नई जोन के पैनल के अंदर इसका नाम है, मैंने खुद प्रूफ किया है, रोल नंबर है वो मैंने खुद प्रूफ किए हैं आपके। जैसे ये आपका ज्वाइनिंग लेटर आया है, अब यहाँ पर अंदर आपका ये सारा कुछ दिया गया है दोस्तों। तो इसके अंदर आप देखोगे, दक्षिण रेलवे साउथर्न रेलवे मंडल कार्यालय डिविजनल ऑफिस कार्मिक शाखा पर्सनल ब्रांच सेलम डिवीजन 18/9/2019 को। तो दोस्तों, त्रिवेंद्रपुरम वालों को ज्वाइनिंग पहले ही दे दी गई थी। हाँ, त्रिवेंद्रपुरम को भी सेलम डिवीजन अलॉट हुआ था, पर वो उनको ज्वाइनिंग है वो पहले ही मिल गई थी। और सबसे फास्ट जो काम कर रहा है चेन्नई जोन में वो सेलम डिवीजन ही है, जो आपका लगभग जोन में ज्वाइनिंग दे दिया दोस्तों। 18 तारीख को यहाँ पर इन्होंने ज्वाइनिंग डिस्पैच किया था वहाँ से, और इनको मिला है अभी। तो यानी देख सकते हो आपका कितने दिन लगे हैं, 4-5 दिन के अंदर मिल गया। लोकल लड़का है वहाँ का, ये केरला का, साउथर्न साइड का ही, तो वहाँ पर उनको जल्द ही डिलीवर्ड हो गया है। और ये आपको 20 अगस्त को आपका पैनल आया था, और 18 सितंबर को इन्होंने ज्वाइनिंग डिस्पैच कर दिया, मतलब कि इन्होंने 28 दिन के अंदर आपको ज्वाइनिंग प्रोवाइड करा दी डिवीजन अलॉटमेंट करके। तो इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर इनका नाम लिखा गया है, ओबीसी एनसीएल ओबीसी कैटेगरी के अंदर इनको क्वालिफाई हुए हैं। और यहाँ पर टोटल फाइल नंबर 61 है इनका दोस्तों। यहाँ पर इनका पता दिया गया, केरला, सब्जेक्ट है अपॉइंटमेंट फॉर ऑफ टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट थ्रोट आरआरबी इन इलेक्ट्रिकल ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट ऑफ सेलम डिवीजन। ये दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, साउथर्न रेलवे ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों, इसके अंदर देख सकते हो आप क्या क्या यहाँ पर मेंशन किया गया है, इलेक्ट्रिकल ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट आपका अपॉइंटमेंट ऑफर है दोस्तों। यहाँ पर लेवल 2 पे मैट्रिक्स यहाँ पर दिया गया है। टोटल यहाँ पर 103 दिन की इनकी ट्रेनिंग होगी साउथर्न रेलवे
के अंदर दोस्तों यहाँ पर ये दिया गया है यहाँ पर, और मेडिकल के अंदर से आपको सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है टोटल। यहाँ पर लेवल टू इलेक्ट्रिकल ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट लेवल टू, यहाँ पर 14 दिन का आपको पहले नोटिस दिया, अगर आपको बाहर किया जा सकता है, जो भी आपके अदर ज्वाइनिंग में इंट्रैक्शन आते हैं वो सारे कुछ इसमें है। और जो भी आपका अटेशन फॉर्म था और जो भी आपके शपथ पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र साथ में अटैच होकर आते हैं वो सारे इसके साथ में दोस्तों आए हैं टोटली आपके। तो ये दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट थी RRB चेन्नई वालों के लिए, और ये कंफर्म है दोस्तों कि RRB चेन्नई का ही है ये। और यहाँ पर ये आपका ट्रेनिंग का शेड्यूल मैं दिखा दूँ आपको, इसके ऊपर मैंने पर्सनली एक वीडियो बना रखा है, तो उस टाइम में भी काफ़ी का ये कमेंट आया था कि ये गलत है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी गलत नहीं है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो इस 17 तारीख 17/9/2019 को यहाँ पर ये डिस्कस हुआ था कि यहाँ पर 30 बंदों सालिम डिवीजन के 30 बंदों का यहाँ पर ट्रेनिंग है वो दोस्तों ट्रिची के अंदर करवाना है, और 18 तारीख को इन्होंने ज्वाइनिंग है वो डिस्पैच कर दिए थे। उन 30 बंदों का नाम यहाँ पर इस ट्रेनिंग सेंटर में आ गया होगा, और इनको यहाँ पर उन्होंने 18 तारीख को ज्वाइनिंग डिस्पैच कर दी है, और अब यहाँ पर मिल गए, और टोटल 10 तारीख को यहाँ पर ज्वाइनिंग करवा के 14 तारीख को इनको ट्रेनिंग है, 14 से 14 नवंबर तक, 14 अक्टूबर से 14 नवंबर तक यहाँ पर ट्रेनिंग है। बाद में दोस्तों इनकी ट्रेनिंग दूसरे स्थान पर होगी। तो अब दोस्तों हम बात करें कि आपका अब तक कितने मतलब लड़कों का आ गया, ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट अपडेट है कि आपका टोटल अब तक कितने कैंडिडेटों का आ गया है। तो दोस्तों वैसे तो ऑफलाइन के अंदर ये पता नहीं लगता है कितने लोगों का आ गया है, पर दोस्तों 30 लोगों का ज्वाइनिंग तो कंफर्म यहाँ पर भेजा गया है, ये तो कंफर्म है 30 का, तो कंफर्म यहाँ पर एक ही डिवीजन से एक ही साथ डिस्पैच हुआ है। अब बात की हम बात करें कि ट्रिची के अंदर टोटल 120 कैंडिडेट दिए हैं, तो 120 कैंडिडेटों के अंदर जो भी कैंडिडेट आते हैं उनको यहाँ पर जो भी 60 को मद्रास यानी कि चेन्नई डिवीज़न अलॉट हुआ है, और 30 को यहाँ पर सालिम डिवीज़न, और 30 को यहाँ पर एक ट्रिची अलॉट हुआ है। तो टोटल यहाँ पर 60 कैंडिडेट है, 120 कैंडिडेट हैं यहाँ पर, तो टोटल 120 को भी ज्वाइनिंग जल्द ही मिल जाएगा, बाकी 30 को तो कन्फर्म है मिलना स्टार्ट हो गया होगा और 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा। बाकी 120 को तो 14 तारीख से ट्रेनिंग है 120 कैंडिडेटों की, तो और बाकी का भी दोस्तों जल्दी आपके सामने देखने को मिल जाएगा। ये दोस्तों आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट थी, जो मैंने आपको ट्रेनिंग का शेड्यूल भी दिखा दिया है और सारा कुछ आपको इसके अंदर बता दिया। अब आपको प्रूफ के तौर पर मैं दिखा दूँ एक बार, तो यहाँ पर दोस्तों ये रोल नंबर देख सकते हो आप, लास्ट में 00698069 है, तो आपको ये पैनल के अंदर, तो यहाँ पर दोस्तों ये पैनल है, इस पैनल के अंदर भी ये रोल नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे 00069। तो टोटली आपको ये प्रूफ भी मिल गया है कि ये चेन्नई डिवीजन का ही है, चेन्नई जोन का ही है, और ये आपको ये भी पता है कि चेन्नई जोन का ही पैनल ऐसे आया था, बाकी सबका PDF फॉर्मेट में आया था, चेन्नई का मात्र आपको ऐसे पैनल देखने को मिला था दोस्तों। तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट थी आप सभी के लिए, उम्मीद करता हूँ जानकारी हेल्पफुल थी, तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट आपसे बिल्कुल मिस ना हो। और दोस्तों जैसे ही आपके अटेशन फॉर्म आपके आए हैं साथ में वो सभी जोनों के सेम हैं, अगर आप फिलअप करना नहीं जानते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, जिस चीज़ का आएगा आपको फिलअप करना है, अगर नहीं पता तो मेरे को बता देना, मैं वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट अपडेट था, और टेक्नीशियन का पैनल भी जल्द ही दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि दोस्तों मैं खुद यहाँ पर टेक्नीशियन यहाँ पर चेन्नई से हूँ, तो अक्टूबर फर्स्ट वीक तक हम इंतज़ार करते हैं, अगर बाद में कोई अपडेट मिलती है, पहले कोई अपडेट मिलती है तो यहाँ पर ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और 10 अक्टूबर को इनका ज्वाइनिंग है दोस्तों, जो ALP का ज्वाइनिंग, काफ़ी कमेंट आ रहे थे, काफ़ी यहाँ पर लड़के परेशान थे कि हमारा अभी तक ज्वाइनिंग क्यों नहीं हुआ। इसी के साथ साउथर्न रेलवे में आपका तिरुवनंतपुरम आता है, उनकी ज्वाइनिंग तो तुरंत हो गई थी यानी कि 1 महीने के अंदर हो गई थी, और हमारा अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आई, काफ़ी कैंडिडेटों का क्वेरी था, तो उन्हीं का ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि उनको भी अब ज्वाइनिंग मिल जाएगी जल्द ही। तो ये दोस्तों एक अच्छी खबर है सभी कैंडिडेटों के लिए, और सभी का ज्वाइनिंग यही रहता है दोस्तों, कुछ एक आध जोन की अगर हम माने, जैसे कि रांची जोन है उसका यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, तो कुछ जोन है जिनका प्रॉब्लम है, जहाँ पर हो सकता है उनको ट्रेनिंग का स्थान नहीं मिला हो, ट्रेनिंग के लिए कोई जगह नहीं मिली हो, क्योंकि काफ़ी आपको पता, जैसे आपका साउथर्न रेलवे के अंदर चेन्नई जोन और तिरुवनंतपुरम जोन, 2 जोन आते हैं, तो ऐसे ही कुछ मतलब RRC के थ्रू ज़्यादा जोन आते हैं तो उनका ट्रेनिंग का स्थान है वो बुक हो जाता है, तो आपको थोड़ा वेट करवा सकते हैं वो 1-2 महीने का, तो ये उसी लिए है दोस्तों। तो हो सकता है अभी चेन्नई जोन के इतने ही कैंडिडेटों का आए ज्वाइनिंग, या फिर टोटल 500 का दे दिए, ये इन्हीं के ऊपर सारा कुछ RRC के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब यहाँ पर ज्वाइनिंग करवाता है और कब ट्रेनिंग करवाता है। तो दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट थी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।